आगे गोरखपुर से बड़ी खबर की ओर। खजनी के कुटबार प्राथमिक विद्यालय पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 386 पर पिछले डेढ़ घंटे से ईवीएम मशीन खराब है। मतदाता बेहद परेशान हो रहे हैं, बिना मतदान किए ही वापस लौट रहे हैं मतदाता। तो ईवीएम मशीन खराब होने की खबर एक के बाद एक आ रही है। अभी तक अधिकारियों ने मशीन को ठीक नहीं कराया है। ईवीएम मशीन खराब होने के चलते मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निराश होकर मतदाता वापस लौट रहे हैं। बूथ संख्या 386 पर पिछले करीब डेढ़ घंटे से मशीन खराब है। लोकसभा उपचुनाव के रन में जारी है वोटिंग का दौर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की है। फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मतदान किया है। सीएम और डिप्टी सीएम ने बंपर जीत का दावा किया है। दोनों ही जगहों पर बंपर जीत का दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी। सीएम और डिप्टी सीएम ने गठबंधन पर भी निशाना साधा। राजनीतिक सौदेबाजी का नमूना है ये गठबंधन, मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा कहा। सपा बसपा के गठबंधन से विजय रथ नहीं रुकेगा, ये डिप्टी सीएम ने कहा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मतदान किया, वहीं फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने। मतदान लगातार जारी है, इस दौरान सपा बसपा गठबंधन पर भी दोनों ने निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2019 में भी फिर से सत्ता में आएंगे, इतिहास दोहराएंगे। ये दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में मतदान किया, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया। वहीं समाचार प्लस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, समाचार प्लस से खास बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि दोनों सीटों पर भारी मतों से चुनाव जीतेगी बीजेपी। हमारे 11 महीनों के विकास को जनता ने अंगीकार किया है, स्वीकार कर लिया है। सपा बसपा के गठबंधन पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अवसरवादी राजनीति का नमूना है। प्रदेश में राजनीतिक सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीतिक सौदेबाजी को जनता ने सिरे से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सरकार यहाँ दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश में सौदेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं। हमारी सरकार ने 11 महीनों के दौरान प्रदेश में विकास और सुशासन के लिए जो कार्य किए हैं, जनता ने उसको अंगीकार किया है। हर व्यक्ति जानता है 2014-2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास और सुशासन के मंत्र को अंगीकार किया है। आगे भी हम लोग इसी आधार पर कार्य करेंगे, दोनों उपचुनाव भी जीतेंगे और 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश से 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी देगी। सर, बीजेपी इसे अवसरवादिता बोल रही है जो गठजोड़ हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि समय की जरूरत है। ये अवसरवादी राजनीति का एक नमूना है, यह राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी है। और राजनीतिक सौदेबाजी को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है, आगे भी करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर पहला वोट डाला और मुख्यमंत्री योगी ने सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गठजोड़ हुआ है वो पूरी तरीके से अवसरवाद को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि दोनों उपचुनाव दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, दोनों सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी और उसका सीधा असर आने वाले जो चुनाव होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, गोरखपुर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर में वोट डाला, साथ ही साथ ये दावा किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दोनों जगहों पर जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो जनता है वो विकास के नाम पर उन्हें वोट करेगी। जो भी वादे उन्होंने किए हैं वो सभी को पूरा किया गया है। तो फूलपुर में जहां 19,63,543 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं, गोरखपुर में 970 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां वोटिंग चल रही है। सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ सपा बसपा के गठबंधन पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा है, निशाना साधा है।
गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। सभी जगहों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोरखपुर में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला, जनता को संदेश दिया कि सभी अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। वहीं फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वोटिंग की। कुल मिलाकर 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो अपने भाग्य का फैसला जनता के हाथ में सौंप चुके हैं। आज जनता ईवीएम में उनके भाग्य का फैसला कैद कर रही है। गोरखपुर में 970 मतदान केंद्र हैं, जहां वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फूलपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? कितने वोटिंग प्रतिशत सुबह से अभी तक इजाफा हो पाया है? जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 20% जो वोटिंग काउंट है वो अब तक यहाँ पर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, ज्वाला देवी पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, और मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक जितने भी पोलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, कमरे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों के अलावा आपको लोग नहीं दिखेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। ये तस्वीर सुबह से वैसे ही बनी हुई है। सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई यहाँ पर, उसके बाद से अभी तक ऐसी लाइनें या ऐसी कतारें नहीं दिखी जिसमें लोग अपने मतपत्र पकड़कर बाकायदा लाइनों में रहते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो ये उत्साह की कहीं ना कहीं कमी है। अभी कुछ अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे जो इस बात के लिए परेशान भी हैं। पुलिस विभाग की तरफ से भी जो ADG जोन है उनसे हमारी बात हुई यहाँ पर, SN साबत से, उन्होंने बताया कि वो खुद निकले इसीलिए ग्रामीण इलाकों में इस परेशानी को समझने के लिए कि आखिर कोई और परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद का जो इलाका है यहाँ पर पारा भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बाकी इलाकों के मुकाबले यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा गर्मी और बढ़ती जाएगी। लोग तकरीबन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम से पहले ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन अब तक जो बात आई है सामने, तकरीबन 1 बजे जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 20% के तकरीबन है। तो निश्चित तौर पर हम सुबह से इस बात को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है वोटिंग प्रतिशत, जो एक बड़ी परेशानी बन सकता है बाकी जो राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर भाजपा के लिए भी, क्योंकि ज्यादा वोटिंग प्रतिशत नहीं होने की वजह से निश्चित तौर पर हर किसी को एक बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। और बाय इलेक्शंस में इससे पहले हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं गोरखपुर से। अविनाश, फूलपुर में जिस प्रकार से अभिषेक बता रहे हैं कि उतना उत्साह वोटर्स में नजर नहीं आ रहा, क्या गोरखपुर में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? अभी तक कितना वोटिंग प्रतिशत हो पाया है? बिल्कुल, देखिए जहां तक वोट परसेंटेज का सवाल है वंदना, तो 11 बजे तक गोरखपुर में तकरीबन 16% वोटिंग हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें जो अगर गोरखपुर शहर की बात करें तो यहां पर जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बहुत कम है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, और उसी वजह से जो ये आंकड़ा है 16% के आसपास पहुंचा, चूंकि सुबह 9 बजे तक सिर्फ 7% ही वोटिंग हो पाई थी, तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक यहां भी नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव में जिस तरीके से 54% के आसपास पहुंचा था, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 50% के आसपास यहां का वोटिंग परसेंटेज जाए। हालांकि अगर 10 से 12 के बीच की बात करें तो 10 से 12 के बीच में जरूर लोग यहां पर देखे थे, ज्यादा संख्या में जो मतदाता थे यहां पर आए थे, कुछ कतारें भी लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे चूंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है तो गर्मी भी एक वजह है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी वजह चूंकि उपचुनाव का होना बताया जा रहा है, और एक सबसे खास बात, यहां पर कुछ संत आए हुए थे, उन संतों से जब मेरी बात हुई, चूंकि वो मठ से जुड़े हुए पुजारी थे, उनका ये कहना है कि पहले यहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते थे, उससे पहले उनके गुरु अवैधनाथ चुनाव लड़ते थे, और बहुत सालों से, कह सकते हैं कई दशकों से एक परंपरा रही है कि यहां का जो सांसद होता था वो मठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता था। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने किसी और को चुनाव मैदान में उतारा, तो एक वजह वो भी हो सकती है, ये मठ के लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो वोटिंग का प्रतिशत है बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। हालांकि हो सकता है कि 3 बजे के बाद जब गर्मी थोड़ी सी कम हो
तो जो मतदाता है मतदान केंद्रों की तरफ रुक कर रहे हैं। अविनाश, रुझान क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर जनता से, क्या लोगों से वहां पर आपकी बातचीत हो पाई जो मतदाता पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, यहाँ तमाम जो वोटर्स थे जो वोट डालने यहाँ पर पहुंचे थे उनसे कई लोगों से बात हुई। हालांकि देखिए, चूंकि उपचुनाव है, अगले साल चुनाव होना है, तो लोग ये अपनी स्थिति जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गोपनीय होता है मतदान, तो चूंकि लोग हालांकि इशारों में कह सकते हैं कि एक इशारा दे रहे हैं कि चूंकि एक साल की सरकार हो गई है और योगी सरकार के कामकाज को लोग ठीक ठाक मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि पिछले एक सालों में अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के लिए तमाम योजनाओं को शुरू किया गया। एक मुख्य जो यहाँ पर पिपराई चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई थी पिछले कई सालों से, उसको मुख्यमंत्री योगी ने शुरू करवाया। इसके अलावा विकास की तमाम योजनाएं थी जिसका शिलान्यास किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया, तो उन चीजों का भी इम्पैक्ट निश्चित तौर पर है वंदना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सीएम योगी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तब से कह सकते हैं कि राजनीति का केंद्र बन चुका है गोरखपुर। पहले हालांकि जो अगर मुद्दों की बात करें तो पहले स्थानीय मुद्दे हावी होते थे यहाँ पर चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हावी होते हैं उन मुद्दों पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उन मुद्दों पर भी गौर कर रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ पर अविनाश रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।